हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके चैनल ड्रीम इलेवन डॉक्टर में एक बार फिर से जो मैच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला है यहाँ पे आर एस सी सी वर्सेस सी टी एल के बीच जो मैच होने वाला है इस मैच की वीडियो तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बिताने लगा और सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आया तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है जिसका नाम है ड्रीम इलेवन डॉक्टर आपको स्क्रीन पर नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा सेम नेम से हमारा टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है पर आपको हमारे टेलीग्राम के जो रियल और ओरिजिनल चैनल है उससे कैसे जुड़ना क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है टेलीग्राम पे तो आपको करना क्या है कि आ, वीडियो के नीचे जहां कमेंट करते हो वहां आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर ब्लू कलर का हुआ. उस उसपे क्लिक करना जैसे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा देन इसको ज्वाइन कर लेना ग्रैंड लिंक में रैंक ओन की फोटो लगी होगी तो वही हमारा टेलीग्राम चैनल फटाफट जाकर ज्वाइन करो फाइनल अपडेट टीम आपको आफ्टर टॉस जो भी अपडेट होगी वही मिलने वाली है तो यहाँ पे आपको लिंक के थ्रू करना है अदरवाइज बहुत सारे फेक चैनल ड्रीम डॉक्टर के नाम से आप किसी गलत चैनल के साथ जुड़ जाओगे तो फर्स्टली इन्वेस्टमेंट पैटर्न के बारे में बात करते हैं आपको इस मैच में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है या करना भी नहीं है तो कहां करना है तो सारी बात बताने वाला हूं तो यहां पे आपको इस मैच में इन्वेस्टमेंट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा अच्छा मैच नहीं है क्यों इसके पीछे रीजन रहता हूँ ये जो भी टी टेन है ये इतने ट्रस्टेड मैच नहीं आप इनमें किसी प्लेयर को बड़े ल, लंबे समय से जानते नहीं हो या इनका कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि हाँ इसको बस आप जो तीन दो तीन मैचे हुए हैं जो इनके स्टेट्स अवेलेबल है उस बेस इस पर टीम बना सकते हो इसलिए बोलूंगा कि ग्रैंड लीग को ज्यादा खेलो जो आपको मैं थोड़े स्टेप्स दूंगा और और आप और आपके रेगुलर मैच, मैच मैसेजेस आ रहे थे पहले मैच में कवर नहीं कर रहा था देन यहाँ पे रेगुलर मैसेजेस वगैरह आ रहे थे तो मैंने सोचा कि आपके लिए कवर कर दूँ तो लास्ट तीन मैच जो इन मैच दोनों टीम के हुए हैं तीनों को मैंने पूरा एनालाइज कराया और तीनों के बारे में पूरा बताया तो जो इम्पोटेंट और बेस्ट पिक लगे हैं मैंने आपको बता दूंगा और आपको ग्रैंड लीग ज़्यादा प्रेफर करो इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम करना या ना करो तो जो मतलब ना के बराबर करो तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा ग्रैंड लीग ज़्यादा टारगेट करो तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो यहाँ पे देखो तो सी टी एल के बारे में मैंने जो स्टैट्स निकाले हैं तीन तीन प्लेयर के तीन मैचेस के तो यहाँ पे तीन मैच खेलती है सीटी एल की टीम और तीनों के तीन मैच जीत चुकी है तो यहाँ पे थोड़ी तो स्ट्रॉन्ग नजर आती है तो यहाँ पे देखो थोड़ी स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती है यहाँ पे बात करें तो बैटिंग लास्ट मैच के बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैंने कुछ डिसाइड कराई तो यहाँ पे देख सकते हैं यहां पे नाविद असलम आपको ओपन दिख सकता है चांसेस का ओपन नीचे हो सकता है बैटिंग ऑर्डर टीम थोड़ा चेंज कर रही है देन देख सकते हो तीन मैचों में एक मैच में एक मारे एक में चौदह एक में पांच यहाँ पे बात करें यासीन के पांच मैच में एक सौ बयालीस रन है पहले के स्टेट्स है इस टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टैट यहाँ पे यासीन के मिले हैं यहाँ पे इसने क्या करा है दो ओवर एक्सपेक्टेड है बॉल्स का मतलब है कि ये दो ओवर डालेंगे क्योंकि दस ओवर के मैचेस है तो ये अपने कोटे के एटलीस्ट पूरे ओवर करते आपको दिख जाएगा बाकी बात करें दो विकेट मैच में लिया है एक मैच में आपसी मैच में आठ रन एक फोर्टी थ्री रन मारे और एक विकेट लिया तो यहां पे देखे तो पूरे अभी तक के तीन विकेट टूर्नामेंट में ले चुका और देखे तो बैटिंग से भी ठीक ठाक पॉइंट ओपन करने आ रहा है तो एक अच्छे खासी पिक है देन यहाँ पे बात करें यासिर अली ली तो आई थिंक पहला मैच नहीं खेला तो उसके बाद देखे तो दो मैच खेला उससे पहले टूर्नामेंट से पहले कुछ स्टैट्स अवेलेबल है तो यहाँ पे देख सकते हो कि अच्छा प्लेयर है बाकी एक ही ओवर करा इसने अभी तक और बॉलिंग से ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा बैटिंग से देखा ट्वेंटी वन रन और एक मैच में एक ओवर डाला उसमें दो विकेट लेके गया था तो यहाँ पे एक अच्छी पिक है सेम बात करें यहाँ पे अरम खान के बारे में बात करें तो यहाँ पे मोहम्मद अरम खान खान बाम खान खान छः मैच इसे फोर्टी वन और दो विकेट बाकी टूर्नामेंट में इसने क्या कराया छियालीस रन मारे एक मैच में एक में चार एक में एक विकेट भी लिया और एक में बाईस रन मारे तो ठीक ठाक है ओवर भी इसने पूरे दो नहीं करे एक आधा ओवर कराया तो यहाँ पे दो ओवर पूरा एक्सपेक्टेड नहीं है इससे बाकी बात करें सफदार जो विकेट कीपिंग सेक्शन में मिल जाएगा एक मैच में इसने फिफ्टी रन की इनिंग खेली रॉफ़ जमान के एक मैच में दो यहाँ पे शाकिब लतीफ लतीफ़ी बैटिंग कर रहा है अच्छी बैटिंग कर रहा है पच्चीस और बत्तीस मार के आ रहा है अली आजम के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये मैच टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ये स्टैट्स अवेलेबल थे बट इस टूर्नामेंट में ये अपने दो ओवर पूरे कर रहा हो प्लस बात करें तीन विकेट ले चुका है एक मैच में एक में चौबीस रन मार चुका और एक में दो विकेट ले चुका था तो अच्छे खासे विकेट कीकिंग कैपेबिलिटीज के पास है अपने कोटे के दो ओवर पूरे कर रहा है अब्दुल आ, अवान के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक ओवर डालता दिख सकता है पार्ट टाइम कंफर्म नहीं है कि ओवर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा शोकस शहबाज दो ओवर आपको डाल सके दिख सकता है एक विकेट लिया इसने अभी तक बाकी सैयद खबर के बारे में बात करें पहला मैच था इसमें ये ओपन करने आया था उसमें से आई थिंक जीरो पे आउट हो गया था ये जल्दी आउट हो गया था बाकी उसके बाद एज अ बॉलर ही ट्रीट कर रहे हैं पांच मैच में आठ विकेट है इस टूर्नामेंट से पहले और मैच में हर मैच में दो ओवर डाल रहा है तो बैटिंग ऑर्डर फिर भी देख रहे तो लास्ट मैच में रहा है यहाँ पे यासिर अली ओपन करने आता है था, यासीन के साथ और देख सकते हैं स्कोर किसने किया कि, देन नौ नावीद असलम है देन मोहम्मद खान है देन बात करें यहाँ पे आते हैं यहाँ पे मोहम्मद सफदर है यहाँ पे बताया लतीफ़ है देन यहाँ पे बात करें निसार अहमद है, है और बॉलिंग में आप देखोगे तो बॉलिंग में शौकत शौकत है जो मैंने आपको दिखाया था अभी अली आज़म है यासीन है खबर है यासिर ने एक अली ने एक ओवर डाला उसमें तो दो विकेट ले गया रिजवी पार्ट टाइम बॉलर कभी मतलब मतलब इसको पूरे ओवर नहीं मिले कन्फ्यू कन्फ्यूजन है कि ओवर मिलेगा या नहीं मिलेगा कन्फर्म बॉलर नहीं है सेम बात करें तो यहाँ पे आर के बारे में बात करते हैं यहाँ पे दो मैच तीन मैच खेले इसमें दो विन करे एक मैच लॉस करा है तो यहाँ पे देखे तो ठीक है एक मैच लॉस करा अपोनेंट टीम है जो उसने तीन के तीन विन करे दत्ता कर आपको ओपन कर दे सकता है आ, कोई अच्छा टूर्नामेंट रहा नहीं बैटिंग से एक मैच में, में, में बीस रन मारे एक में आठ एक में छह रन तो यहाँ पे चौंतीस रन अभी तक तीन मैच में मारे दैन लव प्रत के बारे में बात करें तो ये है ईशान पटेल आई थिंक इनकी टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर रह सकता है बैटिंग प्लस बॉलिंग से तो यहाँ पे इसके स्टैट देख सकते हो आप फिफ्टी नाइन तीन मैच में फिफ्टी नाइन और छह विकेट ले चुका है एक मैच में चार विकेट लेके आ रहा है और एक फिफ्टी नाइन करके भी आ रहा है तो अपने कोटे के दो ओवर भी कर रहा है तो सबसे बेस्ट प्लेयर रह सकता है पे मनीष मानवानी के बारे में बात करें तीन मैच में बाईस रन दो विकेट इक्कीस एक और दो विकेट बाकी बात करें क्षितिश पटेल के बारे में तीन मैच में सोलह यहाँ पे दस और छा पे बात करें अमित दास एक में जीरो बात करें गौरंग माया, 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 वंशी तीन मैच में पांच एक मैच में दो विकेट एक में तीन विकेट तो अच्छा खासा विकेट टेकर बॉलर है देन बाकी बात करते हैं यहाँ पे आते हैं रिजवान है नावीद है जिन्होंने कोई खास करानी अभी तक और यहाँ पे रोनिन दो ओवर करते हुए तो दिख सकता है बाकी युद्धवीर सिंह अभी तक तो मेरे ख्याल से तो कोई परफॉर्मेंस करी नहीं बाकी बात करें यहाँ पे नौमान अली एक विकेट ले चुका है बाकी जी सिंह जो दो विकेट ले चुका है और अपने कोटे के दो ओवर करता है दिख सकता है आर एस सी सी का जो लास्ट मैच में बैटिंग आउट रहा था वो कुछ ये रहा था दत्ता करन था देन ईशान पटेल लास्ट मैच में काफ़ी चेनिंग खेल के आ रहा है मनीष मानवानी है दैन यहाँ बात करें क्षितज पटेल है और बॉलिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रोहिन कुमार है यहां पे मनीष मानवानी और यहाँ पे बात करे औरंग मानवंशी यहाँ पे ईशान पटेल दो ओवर नौमान अली दो ओवर तो ऑलमोस्ट इनके पांच बॉलर ने सबने दो दो ओवर पूरे कंप्लीट करे हैं तो सब चीजों को मैंने माइंड में रखते हुए और लास्ट तीन मैच के स्कोर कार्ड और सब कुछ को ध्यान रखते हुए मैंने ये टीम क्रिएट करी है तो ये टीम आप देख सकते हो यहाँ पे क्रेट के अकॉर्डिंग ये टीम अच्छी बन सकती है और यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिया यहाँ पे आ, क्रेट पूरे यूटिलाइज भी हो गए हैं और यहाँ पे मैं सफदार खान के साथ गया जो विकेट कीपिंग सेक्शन में जो आई थिंक एक फिफ्टी फिफ्टी फोर रन की इनिंग खेल के भी आ रहा है और लाइनअप के बाद पता चली जाएगा कि यहाँ पे विकेट कीपिंग कौन कर रहा है दोनों टीम में से वो आपको मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा टॉस के बाद जो कि आई आई थिंक एक घंटे पहले लाइनअप आई जाती है इनकी देन डी करण है जिसको मैं आपको प्रेफर करूँगा ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना क्योंकि अच्छा पिक रह सकता है ओपन कर रहा है अभी तक कोई अच्छी इनिंग खेली नहीं बाई चांस क्या पता तक खेल जाए तीन मैच में सिर्फ चौंतीस रन मारे अभी तक बाकी लवप्रीत सिंह के अच्छा अगर ये खेलता है ये दो प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए अच्छे पिक रह सकते हैं दत्ता और यहाँ बात करें एल सिंह बाकी बात करें आते हैं यहाँ पे आ, मैंने लिया यहाँ पे शहबाज को जो आपको दो ओवर शौकत शहबाज जो आई थिंक दिखाऊंगा दो ओवर डालता है आपको दिख सकता है इसलिए मैंने इसको लिया बैटिंग सेक्शन में कि विकेट मिलने यहाँ पे बैट्समैन से हम कितनी एक मतलब कुछ ही लिमिटेड बैट्समैन है जो बड़ी नहीं खेल सकते अदरवाइज देखें तो बॉलिंग से हमें कोई ऐसा प्लेयर मिल रहा है जो बैटिंग सेक्शन में बॉलिंग करता है तो हमें शायद उसको प्रेफर करना चाहिए अगर वो एक विकेट में देता तो हमें पच्चीस तीस पॉइंट वैसे मिल जाते हैं और बैटिंग में इनको पूरे दस ओवर में किसको कितनी बॉलिंग मिलेगी खेलने को तो वही कन्फर्म नहीं होगा तो यहाँ पे और बॉलर को थोड़ा डोमिनेशन है बाकी बात करें अभी तक जैसे जैसे कोई देखे तो अभी तक कोई खेला नहीं है ऊपर बाकी स्मॉल लीग में आपको फिर भी कहूँगा कि मैं स्मॉल लीग में इन्वेस्टमेंट ना करें और मतलब बहुत कम करे और ग्रैंड लीग को फोकस करके चले देन लातिफ़ है यासीन लिया है बाकी बात मैं करें मैंने महायावंशी मानवानी आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो यहाँ पे ठीक है क्योंकि अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस रही है बाकी बात करें यहाँ इन दोनों के साथ गया हूँ मैं आजम को लिया है काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा है बॉलिंग से बाकी आते हैं यहाँ पे पटेल जो आई थिंक मेरे कैप्टन की चॉइस चॉइसते थे और लास्ट में फिफ्टी नाइन का स्कोर करके आ रहा है और एक मैच में चार विकेट भी ले चुका है तो अच्छे खासे ऑप्शन है बाकी जी सिंह दो दो ओवर एक्सपेक्टेड पूरे डालते हुए दिख सकता है बाकी अब क्रेडिट अवेलेबल नहीं अदरवाइज़ मैं रिजवान की जगह यहाँ पर मैं इसको लेता क्योंकि ये अपने दो ओवर करते हुए दिख सकता है एज़ खबर बट यहाँ पे हमारे क्रेडिट अवेलेबल नहीं है आठ क्रेडिट है तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट दो ही प्लेयर अवेलेबल हो रहे हैं तो क्रेडिट की मजबूरी में हमें ये लेना पड़ सकता है तो बॉलिंग में हमारे पास यहाँ से इनके देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इनके एक दो तीन चार पाँच पाँच बॉलर ऑलमोस्ट कवर आई थिंक नौ ओवर इनके ऑलमोस्ट कवर होते हैं नौ से दस और इनके देखोगे तो दो दो दो, दो। ये शायद इसके रिजवान के कंफर्म नहीं है कि बाकी देखोगे तो इनके भी छः ओवर ऑलमोस्ट कन्फर्म है तो आई थिंक सारे पॉइंट कवर कर दिए होंगे कैप्टन मैं यहाँ पे करके जा रहा हूँ अगर आप पे क्रिकेट अवेलेबल हो तो मैं बोल सकता हूँ रिजवान की जगह आप सफदार को ले लेना एस खमर को ले लेना फिलहाल मैं यहाँ पे इसके जा रहा हूँ क्रिएट का एडजस्टमेंट के चक्कर में कैप्टन मैंने करा है यहाँ पर आई पटेल को जो अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहा है बाकी यासीन जो ओपन बैटिंग कर रहा है और दो ओवर भी कर रहा है और यहाँ पे बैटिंग भी अच्छी खासी कर रहा है बाकी आप आजम को ट्राई करते हो यहाँ पे इनकी ब्लैक वाली जो टीम है सी टी एल की इनकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग की तीन में से तीन मैच जीत के आ रही है ये तीन में से दो जीती है वाइट वाली तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो स्मॉल लीग में तो आप ये टीम क्रिएट कर सकते हो पर ग्रैंड लीग में आपके लिए मैंने एक कॉम्बिनेशन ट्राई करने की कोशिश करी है यहाँ पे क्या कर सकते हो आप Uh, यहाँ पे टारगेट कर सकते हो मैंने मायावंशी जो दूसरा ऑलराउंडर है वो लिया जैसे आप दिखा सकता हैं आपको मैं मैं मानवा यहाँ पे अगर मैंने इसको कैप्टन करा है अली को क्योंकि अच्छी बैटिंग करता है ओपन कर सकता ओपन कर सकता है ओपन के चांसेस है और यहाँ पे अगर अच्छी इनिंग खेलता और एक आधा विकेट भी लेता तो अच्छा चांस बन सकता है आजम अली जो भी काफ़ी अच्छे विकेट टेकर परफॉर्मेंस करके आ रहा है क्योंकि ये मोस्टली ऑफ जनता है यहाँ पे आई पटेल के साथ जाएगी तो ग्रैंड लीग में आप ये टीम ट्राई कर सकते हो और आपको मैंने बोला है कि अगर क्रेडिट होते यहाँ पे सफदार की जगह निकाल के आप दत्ताकरण या एल्प सिंह को ट्राई कर सकते हो अगर क्रेडिट अवेलेबल पर, पर, पर क्रेड अवेलेबल नहीं होंगे बाकी मैंने यहाँ पे इसके चक्कर में मैंने यहाँ पे ड्रॉप करा यहाँ पे अगर मैंने इसको लिया है और एस खबर को तो यहाँ पे रिजवान को ड्रॉप करके लिया क्योंकि मेरे ख्याल रिजवान से इतने एक्सपेक्टेशंस नहीं है तो इस चक्कर है मुझे यहाँ पे बस क्रेडिट एडजस्टमेंट के लिए वाई सिंह लेना पड़ रहा है अदरवाइज आप हमारे पास कोई इतना अच्छा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है बैटिंग सेक्शन में तो आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे बाकी आपको लाइनअप के बाद में फिर भी आपको एक बात बता दूंगा टेलीग्राम पर जो मुझे लगेगा कि आप ये चेंजेस कर सकते हो तो फिलहाल स्मॉल लीग की मैंने आपको पहले बताई ग्रैंड लीग में आप ये कॉम्बिनेशन ट्राई करते हो सी को थोड़ा प्रेफर कर देते होते उनकी टीम तीन में से तीन मैच जीत के आ रही है तो इनको फेवर करते हुए इनकी टीम से अगर आप चाहो तो यहाँ पे इन तीनों में से कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में कर सकते हो पर स्मॉल लीग में मेरे ख्याल से जो आपको मैंने पहले टीम बताई थी ये वाली ये ज़्यादा प्रेफरेबल रह सकती है तो आई थिंक वीडियो अच्छी लगी तो आपके कहने पर बिल्कुल बनाइए क्योंकि मैं बिग ये टी टेन मैचि इतना प्रेफर नहीं कर रहा इन्वेस्टमेंट पर पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैसेजेस वगैरह आ रहे थे तो मैंने सोचा कवर कर दो आपके लिए तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करा बटन नीचे दिखाई दे रहा होगा उसको दबाना उसको दबाने के बाद आपको तो घंटी दिखाई देगी उसको दबाना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन और मैसेज आपको सबसे पहले जब भी वीडियो अपलोड करे दोस्तों और फ्रेंड का शेयर जरूर शेयर करना और कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछा तुम्हारा वह रिप्लाई करेगा और क्या कहते हैं टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना वीडियो के नीचे आपको कमेंट जहाँ करते हो वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा उस पर क्लिक करना टेलीग्राम चैनल ओपन जाएगा देन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ग्रैंड लिंक में रैंक वन की फोटो लगी होगी और या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की लिंक और ग्रैंड लिख में रैंक वन की फोटो लगे होगी टेलीग्राम चैनल में मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ चाहिए दोस्तों बाय